नमस्कार, मैं रोशन हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री रहेंगे? सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर क्या ये जो सिंगल को स्थापित करने और नई संसद का उद्घाटन करने की जो प्रक्रिया है, तो नए भवन की, नए पार्लियामेंट की, क्या वो इसका ये नई इबारत लिखने जा रही है? दरअसल ये बात अटपटी लग सकती है और मजाक में लग सकती है। और आज के प्रवेश द्वार देख रहे हैं, इसमें अंधविश्वास की, लेकिन जो तथ्य हैं, हिस्टोरिकल तथ्य हैं, उनको अगर ध्यान रखें तो फिर आप भी कहेंगे कि हाँ, ये जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री रह सकते हैं। दरअसल जो चोल वंश के समय, और केवल चोल वंश ही नहीं, जो पांड्या और चेरा वंश थे, उनमें भी एक परंपरा थी कि एक सेंगोल यानी राजधर्म, वो राजा अपने उत्तराधिकारी को सौंपता था। यानी जब राजा की पारी पूरी हो जाती थी या उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो तब वो अपने उत्तराधिकारी को उस सेंगोल को भेंट करता था। और वो सेंगोल बहुत ही पवित्र और पवित्र होता था, क्योंकि उसकी बड़ी पूजा अर्चना की जाती थी, बड़ी तपस्या की जाती थी, और तपस्या करने वाले शैव धर्म के, शैव को मानने वाले, इन्हें शिवजी के भक्त होते थे। तो चोल वंश के समय, करीबन जो चोल वंश का कार्यकाल है, वो ऐसा माना जाता है कि 850 ईस्वी से लेकर करीबन 1250 ईस्वी तक, यानी 300 वर्षों का उनका कार्यकाल माना जाता है। और चोल वंश का जो कार्यकाल है, वो जो हमारा दक्षिण भारत है, आज का दक्षिण भारत, वहां से मालदीव से लेकर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड तक था। यानी इतना बड़ा विशाल राज था। और अगर यही अगर आप जावा, सुमात्रा देखते होंगे, तो वहां जो हिंदू मंदिर है, वो ऐसा कहते हैं कि चोल वंश के समय के ही है। तो इतना समृद्ध, शक्तिशाली हिंदू जो सम्राट थे, वो चोल वंश के थे। तो चोल वंश के समय का ये परंपरा थी। और उसी दौरान एक बहुत ही शैव को मानने वाले एक मठ, थिरुवावा डुथराई अधीनम की स्थापना हुई थी। और वो अधीनम यानी मठ, उसी समय से ही ये परंपरा कैरी कर रहा है, आगे लेके चल रहा है। और 1947 में जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो लास्ट जो आखिरी वाइस राय थे भारत के, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ब्रिटिश की संसद से ब्रिटिश रानी ने हस्ताक्षर तो कर दिए थे कि भारत को अब सत्ता हस्तांतरित करनी है, भारत को आजाद करना है। लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि मैं आपको सत्ता सौंपते वक्त सिंबॉलिक क्या दूं? तो उसमें राजा राजगोपालाचारी थे, तो राजा जी ने कहा, क्योंकि राजा जी तमिलनाडु के थे और इसी इलाके से थे जहां ये मठ है, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि जो राजदंड है यानी सेंगोल है, उस सेंगोल को आप पंडित नेहरू को दें। तो उसके बारे में फिर स्टडी हुई, फिर राजा जी ने वहां ड्यूटी लगाई लोगों की, और मठ की ड्यूटी लगाई कि एक आप ऐसा एक सेंगोल बनाइए, और उस सेंगोल को हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपना है, क्योंकि उस वक्त जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नामित कर दिया था। तो ऐसा कहा जाता है। और जो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 14 अगस्त को 11:45 पर रात को लॉर्ड माउंटबेटन ने सेंगोल पंडित नेहरू को सौंपा था। और उस वक्त जो थिरुवावा डुथराई अधीनम के हेड थे, श्री कुमार स्वामी तंबीरान, इन्होंने वो सिंगल सौंपा था। और ये तो हिस्टोरिकल है, और इस हिस्टोरिकल के तथ्य ये हैं कि ये फोटो जो मेरे हाथ में, ये दुर्लभ फोटो है जो पंडित नेहरू की साथ जो पुरोहित हैं अधीनम के, उनके जो थंबीरन के साथ हैं। और ये एक और तस्वीर है, ये भी दुर्लभ तस्वीर है, जो कुमार स्वामी थंबीरन के साथ पंडित नेहरू की है। और जो इनके हाथ में, पंडित नेहरू के हाथ में आप देखिए, ये सेंगुल है। तो सेंगुल यानी राजधर्म है, राजदंड है, जिसको हम दंडिका भी बोलते हैं। हमारे तमाम जो महंत हैं, हमारे जो
शंकराचार्य हैं वो दंडिका लेकर चलते हैं। तो ये दंडिका ओरिजिनली ये है और ये चेन्नई के जो बिल्डर जो चेन्नई के ज्वेलर हैं ये उन्होंने बनाया था और ये 5 फुट लंबा। तो इस धर्म दंड या राज दंड को बनाने वाले चेन्नई जो आज का चेन्नई उस समय का मद्रास वो मिति बेंगुरु चेटी ये ज्वेलर है आज भी है उस ज्वेलर ने इस धर्म दंड को बनाया था। ये 5 फीट लंबा है और इसके सिर पर यानी सिरे एक सिरे पर दंडी महाराज ये नंदी जी बैठे हुए हैं और ये चांदी का है और इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो पूरे 5 फीट की है। ये 5 फीट है तो इसके बारे में जो 5 फीट लंबा सेंगोल आधार से शीर्ष तक भारतीय कला की उत्तम कारीगरी की मिसाल है। और ये तो जो मैं चर्चा कर रहा था कि ये सिंगल 5 फीट लंबा सोने का पानी चढ़ा हुआ और ये जो भारत की कला की उत्तम कारीगरी का ये मिसाल है। और अब इसमें जो चर्चा है कि ये हस्तांतरित किया जाता है यानी अपने पावर को ट्रांसफर किया जाता है उत्तराधिकारी को। तो जब ये राजा जी ने इसके बारे में रिसर्च किया और वहां अधिनम को बताया तो अधिनम ने फिर उसकी पूरी प्रक्रिया बताई और ये उसका महत्व बताया। तो उस महत्व के कारण जो हिस्ट्री में रजिस्टर नहीं है यानी सरकारी दस्तावेजों में नहीं है लेकिन जो तमिल साहित्य में इसका जिक्र है और ये कहा जाता है कि पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट करने से पहले 3 घंटे की पूजा हुई थी और उस 3 घंटे के दौरान पंडित नेहरू ने धोती पहने हुए ऊपर शरीर उनका निर्वस्त्र था यानी नंगा शरीर था क्योंकि इसकी कोई प्रक्रिया है एक संस्कृति है। और ये आप फोटो में भी देखेंगे कि पंडित नेहरू ने ऊपर से जब उनको भेंट किया गया सेंगोल तो इन्होंने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ी हुई है यानी वो जो कुर्ता पहनते थे वो पंडित जी वो कुर्ता नहीं पहना हुआ है बल्कि ऊपर से उन्होंने एक वस्त्रम ओढ़ा हुआ है। तो ये जो इसका महत्व रहा होगा इसलिए 3 घंटे की पूजा हुई और वो 3 घंटा बहुत ही लंबी पूजा होती है। तो 11:45 पर माउंट बेटन ने इस दंड को राज दंड को नेहरू जी को सौंपा। तो नेहरू जी आखिरी दम तक यानी जब उनकी मौत हुई थी उससे पहले तक प्रधानमंत्री रहे। तो पंडित नेहरू जीवन पर्यंत यानी जब देश आजाद हुआ तो 1947 में उन्हें नामित किया गया था और जब देश का संविधान बना लगभग 3 साल लगे थे 2 साल 11 महीने और उसके बाद जब पहले चुनाव हुए जो हमारा 1951 में पहला चुनाव हुआ था जिसके गणना होते होते 6 महीने लग गए थे यानी 1952 में तो 1952 में आधिकारिक तौर पर वो प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को जब उनकी मौत हुई उस दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इस बीच फिर लाल बहादुर शास्त्री आए जो बहुत कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने फिर इंदिरा गांधी बनी। तो अब ये कहा जाता है कि चूंकि उसमें ये राजदंड इनके पास नहीं था यानी पंडित ये लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी या उसके बाद के प्रधानमंत्री के पास नहीं था इसलिए उनका टेन्योर कम रहा या वो बार बार चुनाव हुए या चुनाव के दौरान भी वो दोबारा सत्ता में नहीं आए। तो ऐसा कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने इस दंड को राजदंड को इलाहाबाद में अपने घर यानी आनंद भवन में रख लिया था और उन्होंने इसलिए रख लिया होगा शायद कि उनको इस बात का एहसास नहीं रहा होगा कि इसको प्रधानमंत्री कार्यालय में रखना चाहिए ये देश की धरोहर है। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि ये व्यक्तिगत तौर पर उन्हें दी गई है तो इसको हम अपने संग्रहालय में रख लेते हैं और बाद में वो इलाहाबाद संग्रहालय बना तो इलाहाबाद संग्रहालय में आज तक यानी 75 वर्षों से ये इलाहाबाद संग्रहालय में पड़ा हुआ था। अब ये अगर ये राजदंड दिल्ली में रहता प्रधानमंत्री कार्यालय में रहता तो शायद एक परंपरा रहती कि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री को इसको सौंपता जब सत्ता हस्तांतरण होता तो शायद बाकी लोग भी जो प्रधानमंत्री बने उनका कार्यकाल भी लंबा होता। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है
और चूंकि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में अंधविश्वास माने जाते हैं और लोग इसके लिए पूजा पाठ करते हैं, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या नहीं करते लोग, शमशान को भी साधते हैं, बड़ी बड़ी तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं, तो ये हमारे समाज में ऐसा संभव है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में किसी ने पत्र लिखा और फिर मणिरत्नम की फिल्म पोनियिन सेल्वम यानी PS1, ये दो पार्ट में बन रही है, एक पार्ट रिलीज हो चुकी है PS1 और फिर आगे PS2। तो मणिरत्नम ने ये जो PS1 बनाई है, ये चोल राजकुमार जो वर्मन है, जिनका कार्यकाल 947 से लेकर 1014 तक माना जाता है, यानी उनका जो कार्यकाल है लगभग 60-65 साल का रहा, तो उस दौरान की पूरी कहानी है उसमें। तो चोल वंश का जो यही जो दंड है, राजदंड है, इस पर भी काफी उन्होंने मेहनत की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये PS1 फिल्म देखकर भी प्रधानमंत्री मोदी इंस्पायर हुए होंगे, और उससे पहले कुछ लोगों ने चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि तमिल साहित्य में और तमिल की जो टेक्स्ट बुक है, बच्चों को इस बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे 1947 में राजदंड को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। ये नॉर्थ इंडिया में नहीं पढ़ा जाता, इसलिए नॉर्थ लोगों को इस बारे में पता नहीं था। तो किसी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि इसके बारे में पता करना चाहिए, वो दंड है कहां। तो फिर प्रधानमंत्री ने उसकी खोज की, इसके बारे में रिसर्च किया, उनकी बड़ी जबरदस्त टीम है रिसर्च करने के लिए, तो पता लगा। और अब उन्हें पता लगा कि यह दंड तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम का है, तो उन्होंने इस दंड को दिल्ली और प्रॉपर उसी अधिनियम से जो चेन्नई का थिरुवावदुथुरई अधिनियम है, उस अधिनियम के मुख्य पुजारी और उनके साथ 20 पुजारियों को दिल्ली बुलाया है, और वो दिल्ली के मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। 25 मई से पूजा चल रही है, और उसके बाद 28 मई को मुख्य प्रांगण में, संसद भवन, जो नया संसद भवन बना है उसके प्रांगण में 7 बजे से हवन शुरू होगा, जो करीबन 8:30-9 बजे तक चलेगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री को वही जो मठ के मुख्य पुजारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंड सौंपेंगे, और उस दंड को लोकसभा स्पीकर के बगल में स्थापित किया जाएगा, ताकि वो एक परंपरा के, भारतीय परंपरा के प्रतीक है, यहां रहे। तो अब क्या हम इसको जोड़ें इस कहानी से कि चोल वंश में इस दंड को ट्रांसफर किया जाता था, हस्तांतरण किया जाता था, और उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू के पास आए तो वो भी जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री रहे, और अब नरेंद्र मोदी को दिया गया तो वो भी जीवन पर्यंत रहेंगे, क्योंकि दो बार इन्हें 10 साल का तो उनका राज्य हो ही गया, और 2024 में फिर तीसरा चुनाव होना है। और अभी की जो स्थितियां हैं कि मोदी के सामने विपक्ष का एकजुटता तो दिखते नहीं है, और कोई ऐसा मजबूत चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है कि जो मोदी का मुकाबला कर सके। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी तब तक प्रधानमंत्री रहें जब तक वो चाहें? तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस बारे में आप कह सकते हैं कि इन तस्वीरों से कुछ संदेश आता है, और ये तस्वीरें ढूंढकर लाई गई हैं, और इन तस्वीरों का अपना एक महत्व है, और ये जो भी दंड है वो भी इंदिरा गांधी कला केंद्र में अभी रखा गया है, और इसको 28 मई को नई पार्लियामेंट में स्थापित किया जाएगा। तो इसके बारे में अलग अलग कहानियां हो सकती हैं, कोई इसको अंधविश्वास कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है, लेकिन एक जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा इतिहास में हुआ है, तो क्या ऐसा आगे हो सकता है। तो जैसे साइंस में भी यही होता है, या पुराने जो परिणाम आए होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, उन परीक्षणों के आधार पर ही आगे भी परीक्षण किए जाते हैं। तो देखते हैं जो भी होगा, पर ये एक एनालिसिस है, वो आपको कैसा लगा जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच।